हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आम का अचार, जिसके लिए लिए हैं 3 किलो कच्चे आम। कच्चे आम को 2 दिन धूप में सुखा लिया है, जिससे उनकी नमी निकल जाए। नमी रह जाती है तो आम का अचार खराब होने का डर रहता है। इसके लिए हम लेंगे 200 ग्राम सौंफ, जिसको हल्का सा भून के पीस लिया है, 50 ग्राम मेथी, 200 ग्राम राई, 250 ग्राम नमक, 100 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम काली मिर्च, 25 ग्राम जीरा, 5 से 7 लौंग। अब सभी मसालों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें 1 टीस्पून चिली पाउडर ऐड किया है। आप इसमें थोड़ा सा हींग भी मिक्स कीजिएगा। इसके बाद इसमें 2 कप विनेगर मिक्स करेंगे। इसमें 2 टीस्पून काला नमक ऐड किया है। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें मसाला मिलके अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसे किसी जार में रखेंगे। जार कांच का या चीनी मिट्टी का होना चाहिए, जिससे अचार खराब नहीं होता है। अचार को हम पराठों के साथ और खाने के साथ खाएं तो खाने का टेस्ट और बढ़ जाता है। इसमें हम सरसों का ऑयल ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद हम इसे चलाते रहें बीच बीच में 1-2 दिन में, और धूप दिखाते रहें तो अचार ख़राब नहीं होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।